हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग ब्रायनिया 200 डॉक्टर ई बी नैस के मटेरिया मिट का लीडर्स नैस के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्नेहिक झिल्लियों पर भी ब्रायनिया 200 की क्रिया साफ तौर पर देखी जा सकती है। जलन की दूसरी अवस्था में यह दवा ज़्यादा लाभकारी रहती है, जबकि चिकना स्राव शुरू हो जाता है। इसकी पहली अवस्था में रोगी को एकोनाइट 30 या 200, बेलाडोना 200, फेरमफॉस 6X इत्यादि दवाओं के लक्षण उभरते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। ब्रायनिया 200 दर्द सुई की चुभन जैसा होता है तथा स्नेहिक झिल्ली की जलन में भी सुई चुभने जैसी पीड़ा होती। इसी प्रकार यह फुफ्फुस वेस्ट प्रदाह, मस्तिष्क की झिल्ली के प्रवाह प्रदाह, आंत्र वेस्ट की जलन और हद हृदय वेस्ट प्रदाह में यह लाभकारी रहती। इससे पहले मानसिक लक्षण दूर होते हैं और फिर शारीरिक लक्षणों में कमी आती। वैसे कालीकार्प 200 भी ऐसी दूसरी दवा है जिसमें ब्रायनिया 200 का लक्षण सुई चुभने का दर्द विद्यमान रहता। ऐसा दर्द ब्रायनिया 200, कालीकार्प 200, नाइट्रामियोर 200, स्क्वेला 200 व मर्क्यूरियस वाइवस में भी होता है। अंतर मात्र इतना होता है कि ब्रायनिया 200 में हलचल से दर्द की अनुभूति होती है, जबकि कालीकार्प 200 में हर अवस्था में दर्द रहता है। ब्रायनिया 200 का दर्द दबाने से कम होता है, जबकि कालीकार्प का नहीं। वैसे इन दोनों ही दवाओं का रोगी दर्द से चीखता है, क्योंकि वह मधुमक्खी के दंश के समान होता है। रस का क्षरण होने पर यही तीनों औषधियां प्रमुख होती हैं तथा इनसे पहले या बाद में सफल सल्फर 200 देना भी लाभकारी रहता है।